नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 5600906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7868। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद मतलब फेडरलिज्म की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है ना, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी सही। और संविधान की सर्वोच्चता, ये तीनों ही फेडरल फीचर्स हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो वो अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति ही है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सही स्टेटमेंट है इसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात है क्योंकि ये। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग होता है, तो नहीं, ये पार्लियामेंट्री फीचर हो गया, ठीक, तो नहीं होता है क्योंकि इसमें। और राष्ट्रपति वास्तविक यानी कि डिफेक्टो हेड होता है, डिफेक्टो हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसके संदर्भ में कुछ कथन है। बंगाल के जो गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता का गवर्नर कहा जाने लगा था इसके बाद, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए कि इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल सॉरी, उनको लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को तुरंत लागू किए गए। देखिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध ये था, निर्वाचन संबंधी उपबंध भी था, और मूल अधिकार और नीति निर्देशकता तो उसमें नहीं थे, ठीक है। और उसके अलावा और क्या कहते हैं, अंतरिम संसद था उसमें, ठीक है। उसके बाद अस्थायी उपबंध थे, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे कुछ शीर्षक वाले प्रावधान उसमें मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पर दो गलत है और दो सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और आपका इसकी शुरुआत 1950 से हुई, तो ये गलत है क्योंकि 2015 में जब बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तब इस संविधान दिवस की घोषणा की गई थी कि इसको 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो 2015 से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई है मतलब, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मूल ढांचे में प्रमुख अवयव है, मतलब मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। तो देखिए, सेकुलर कैरेक्टर है ना, पंथनिरपेक्ष, ये भी है, ठीक। इसके अलावा पर्सनल फ्रीडम एंड डिग्निटी भी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तीनों ही हैं यहाँ पर, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही समय लेता है। तो देखिए, आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार है जो उनका निलंबन है जो वो जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता है जो वो अमेरिका से नहीं है, वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और आपकी परमाधिकार लेख यानी प्रोरोगेटिव रिट्स हैं जो, ये भी ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। तो दूसरा और दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, ठीक है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, यहाँ लिखा है केवल लोकसभा का, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए, भारत में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में मंत्रियों को राज्य प्रमुख के जो आधिकारिक कृत्य होते हैं उनमें प्रति हस्ताक्षर करने की नीड नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला है जो, ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 2 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, ठीक, तो ये वाला हो गया गलत क्योंकि केशवानंद भारती 1973 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है और आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंडेबल भी माना गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करती है, तो ऐसा नहीं है, प्रस्तावना तो विधानमंडल की शक्तियों का एक स्रोत है, ठीक, तो ये वाला, ये स्टेटमेंट भी गलत, और ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, तो नाइदर आंसर। अगला देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र समाविष्ट
होंगे। देखिए राज्यों के राज्य क्षेत्र बिल्कुल टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र ये भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हो तो ये भी होंगे इसमें, ठीक है। तो ये तीनों ही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो धर कमेटी, एसके धर कमेटी थी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर भाषाई तत्व की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटे जाएंगे, पुनर्गठन किया जाएगा स्टेट्स का, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। जेवीपी कमेटी उसके बाद आई, तो उन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को उन्होंने खारिज कर दिया था, लिंग्विस्टिक बेसिस को उन्होंने खारिज कर दिया था, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी सही हो गया। अगला देखते हैं, देखिए फजल अली का आयोग आया फिर उसके बाद जब, तो उन्होंने एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत था उसको खारिज किया था, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो देखिए असम ये हुआ था आपका 1947 में, मिजोरम हुआ था 1987 में, उसके बाद मणिपुर हुआ था 1972 में, और आपका हिमाचल प्रदेश हुआ था 1971 में, ठीक है। तो उल्टा लगा हुआ है, तो नहीं पहले ये फिर ये फिर उसके बाद ये और फिर ये, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद और राज्य नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि राज्य नहीं बना सकते, सिर्फ संसद बना सकती है। और नागरिकता कानून बनाने के लिए संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध मौजूद है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मौजूद नहीं है उपबंध, विस्तृत मौजूद नहीं है, विस्तृत उपबंध मौजूद नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका है इनमें से, कौन फेमस पर्सनैलिटी का है। देखिए न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, ठीक। तो ये किससे संबंधित है, जॉन रॉल से, जेएस मिल से, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू से, तो ये है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण में आता है, ना दो है, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और दूसरा क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या क्या आता है, तो देखिए आपका कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, ये चीज आपकी विधि के समक्ष समता के अंतर्गत आएगी, इसमें नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा देखिए, यह एक नकारात्मक संदर्भ है, तो ये भी आपका ये नकारात्मक नहीं, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है कैरेक्टर इसका, ठीक है। और ये नकारात्मक की बात अगर कर रहे हैं तो वो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ में आ जाएगा, ठीक है। और समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार, ये है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब विधियों के समान संरक्षण, ठीक। तो ये वाला ओनली 3 आंसर होगा इसका, सी आंसर। अगला देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किन निम्नलिखित अनुच्छेदों को प्रभावित कर सकता है, अनुच्छेद 14 को कर सकता है, 15 को भी कर सकता है और 17 को भी कर सकता है, 25 को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है, इनमें किसी जाति विशेष के संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर देखिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 21 में किया गया है, ठीक, तो ये सही है। और दूसरा देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से माना गया है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो फैसला था, ये जो एक्सटेंशन किया गया था वो केशवानंद भारती में नहीं किया गया था, वो आपका किया गया था मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस 1978, ठीक। तो ये वाला दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है, सोने के अधिकार को माना गया है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार माना गया है, सुनवाई का अधिकार माना गया है, ठीक, तीनों ही माने गए, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो 39A के अंतर्गत आता है, तो देखिए सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक, ये 39 में आएगा ना कि ए में, ठीक है। दूसरा देखते हैं,
धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कर रोकना, ये भी 39 का पार्ट है, ठीक। और उसके बाद समान न्याय और एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना आपका आर्टिकल 39A का पार्ट है, 39A का, ठीक। तो सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी विचार, गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। देखिए आर्टिकल 40 है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 भी है, ठीक है। तो 41 और 42 हैं जो, ये दोनों किससे हैं, ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल से संबंधित है। आपको पूरे बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के कौन कौन से हैं, और आपके ये क्या नाम है, समाजवादी सिद्धांत सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाले हैं जो, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। आंसर इस वाले क्वेश्चन को 1 और 4 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। तो देखिए 8 की थी उन्होंने, ये तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इंक्लूड कितने किए गए थे, 10 इंक्लूड किए गए थे, 10 ड्यूटीज को शामिल किया गया था, ठीक। दूसरा देखते हैं, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो अनुच्छेद 55 के अनुसार सही है। तो देखिए यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित हो रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। और ये दोनों ही आर्टिकल 55 में दिए गए हैं, ठीक है, 55 के हिसाब से सही, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 61 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है जो वो राष्ट्रपति के महाभियोग हटाने में प्रक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए आपका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ बी, ओनली 2, ये वाला जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही, ठीक है। जबकि ये जो मनोनीत वाले हैं ये उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन निकालने में ये दोनों करते हैं, तो ओनली बी इसमें सही है, बाकी सभी गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसमें, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी आशंकाओं को कौन निपटाएगा, उच्चतम न्यायालय, ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 71 के हिसाब से, ठीक है, 71 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसे देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, पहला वाला भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। देखिए अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो है, जो ये सारी वीटोज दी हुई हैं, ठीक है, अब मैच करना है। एब्सोल्यूट वीटो है आपकी वो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना, सही है। आपकी विशेषित यानी कि स्पेशल वीटो है जो, तो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके, ठीक। और आपका पॉकेट वीटो है कौन सा, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय ना लेना, ठीक है, डिले करते रहना, उसे जेब में डाल लेना, ठीक। उसके बाद निलंबनकारी यानी कि सस्पेंशन वीटो क्या है, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके, याद रखिएगा साधारण बहुमत, ठीक, सभी यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 126 के हिसाब से क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की शुरुआत संसद के दोनों सदनों में की जा सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत है, ये तो सही है नीचे का कि संसद के दोनों सदनों में, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी आर्टिकल 124 के पार्ट 4 में ये पार्ट दिया, ये बात दी गई है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस प्रस्ताव को लोकसभा में के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य ऊपर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष को या सभापति हो तो सभापति को, मतलब राज्यसभा तो सभापति को, लोकसभा तो अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता, ठीक है, देखिए भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता भी होना चाहिए और उसे किसी उच्चतम न्यायालय में ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल, ठीक, तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि 5 साल।
ये 5 साल के लिए वो प्रैक्टिस करनी होगी उसको यहाँ पर, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में PIL है जो वो उस किसके टाइम पे आई थी, एम हिदायतुल्ला के, तो ये गलत हो गया क्योंकि PN भगवती के टाइम पर आई थी, PN भगवती, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय से उठाने के लिए अहर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला यहाँ पर सही है, पहला गलत है, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, अनुच्छेद 226 आपका किससे संबंधित है, यह है उच्च रिट निकालने से संबंधित, वो भी हाई कोर्ट की, ठीक, तो सही हो गया। 124 है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के लिए, ये भी सही है। और 137 है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू, ठीक। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, पुनरावलोकन करने की शक्ति, ओके, आंसर डी। अगला देखिए, संसद का जो बजट है उसको पास होने के कुछ चरण है, मतलब उसके टोटल 6 चरण है। देखिए, सबसे पहले बजट पास होता है, फिर उसके बाद आम बहस होती है, ठीक है, उसके बाद फिर विभागीय समितियां हैं जो उसकी जांच करती हैं, और फिर अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, ठीक, और फिर उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना, और फिर लास्ट में आपका वित्त विधेयक का पारित होना, ठीक। तो ये सब लाइन से ही दिए गए हैं, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पारित करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, धन विधेयक को, साधारण विधेयक को, या संवैधानिक संशोधन विधेयक को, या सभी को, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक। अगला देखिए, किसी धन विधेयक को जो लोकसभा से पारित हो चुका है, ठीक है, उसे राज्यसभा में कितने समय तक रोका जा सकता है, 1 माह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, या 6 महीने, तो उसको रोका जा सकता है आपका 2 सप्ताह, यानी कि 14 दिन, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राष्ट्रपति संसदीय विशेष अधिकारों का लाभ नहीं उठाते हैं जबकि वो उसके संसद के सदस्य भी अभिन्न अंग है उसका, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा, फौजदारी व निवारक निरोध के मामले में संसदीय विशेषाधिकार हैं जो ये लागू नहीं होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसमें, मिलिट्री और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में, ठीक। तो आंसर ये दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा हैं जो, इनके चुनाव में खड़े होने के लिए एज लिमिट कितनी है, 25 साल, ठीक है, यहाँ केस लिखिए तो गलत हो गया। और हमारी जो चुनाव व्यवस्था है इसमें सभी नागरिकों के लिए समान है, ठीक, क्योंकि केवल आय को छोड़ करके, ठीक है, शिक्षा, वर्ग और लिंग के आधार पर कोई प्रतिषेध नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि उसमें आय भी इंक्लूड है, ठीक है, आय हो गई, शिक्षा हो गई, वर्ग हो गई, लिंग हो गया, इनके आधार पर कोई प्रतिषेध नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन और उसके तरीके, ठीक, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रावधान है, और 7वीं अनुसूची से शामिल कोई भी जो भी सूची है उसको, ठीक है, तो देखिए ये सारे ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि साधारण बहुमत से नहीं है, ये सारे के सारे आपके विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा पारित होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला देखिए, लोकसभा की जो समितियां हैं उनमें से मैम ये जो अध्यक्ष है, स्पीकर होता है लोकसभा का, वो किनका किनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, विशेषाधिकार समिति का नहीं होता, नियम समिति का होता है, परमाणु का भी होता है, बिजनेस एंड एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, प्रिविलेज कमेटी का नहीं होता क्योंकि, और इसमें होता क्या है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, स्पीकर उन 15 को स्पीकर, ठीक है। जब भी सदन किसी सांसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो क्या होता है कि ऐसे मामले में स्पीकर द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौंप दिए जाते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 2 और 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है एक, सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, आपका अंतर राज्य परिषद का की स्थापना है जो, वो उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में दिया गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखिए राज्य सूची
आपका विधिक चिकित्सा और अन्य वृत्तियां, तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता कहाँ पर आ जाएगा, आपका राज्य सूची में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा संघ सूची वाला, यानी कि नागरिकता। अच्छा, तो इसमें गलत वाला पूछा था, आंसर 1 एंड 2 ए आंसर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में का मिलान करिए। देखिए आर्टिकल 2371 का चा पार्ट, चा है जो, वो किससे संबंधित है, सिक्किम से, ठीक है। छा किससे है, मिजोरम से। आपको जा किससे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है। और झा है आपका गोवा से, ठीक है। तो सभी सही में इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान है, तो देखिए पहले तो 12 हुआ करते थे, अभी जब से J&K है आपका खत्म हुआ है तो बचे हैं 11, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए संविधान ने हिंदी और इंग्लिश भाषा को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अनुच्छेद 120 है जो, उसके अनुसार पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपने मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल की घोषणा कितने माह तक चालू रहेगी, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या अनंत काल तक। तो देखिए ये रहेगी आपकी 6 महीने तक, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके तहत अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। देखिए भाग 10 अनुच्छेद 243, भाग 10 अनुच्छेद 244, भाग 12 244 और 12 243। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाग 10 आर्टिकल 244, ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, संविधान के जो भाग 9 है उसके अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है, ठीक है। तो चार, उसमें तीन चार नाम है, कौन कौन से, नागालैंड में नहीं होती, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों में नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अगला देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से संबंधित कथन है, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, सही है, और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर क्या होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, किसके, अध्यक्षों के, ठीक। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ कथन है, आर्टिकल 315 है जो, उसके तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के का गठन का प्रावधान है 315 में, ठीक। तो आंसर सही है वाला। दूसरा देखते हैं, 315 सदस्यों की नियुक्ति है जो, और पदावली के संबंध में उपबंध है, ठीक। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये सभी हैं जो, ये 316 में दिए गए हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है जो, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। और उनको पदच्युत या हटाया कौन, किस द्वारा जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, देखिए सहकारी समिति पार्ट 9th ए गलत हो जाएगा क्योंकि 9th बी में दी गई है, वो भी आर्टिकल 243 ZH से लेकर के ZT तक, ठीक है। निर्वाचन आयोग आपका 15 है और आपात उपबंध आपके 18 में, ठीक है। दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है जो, उसमें 6 साल 65 साल चलता है, ठीक है, जो पहले हो जाए उसमें वो रिटायर हो जाता है, ठीक। दूसरा आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष 65 साल, ये भी सही है। और सतर्कता आयोग में आपका 4 वर्ष 65 साल, ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग आपका और अंतर राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद। तो केंद्रीय सूचना आयोग है जो, ये आपका कार्मिक मंत्रालय में आया, कार्मिक में, ठीक है। और ये दोनों है जो, ये गृह मंत्रालय में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।